जय हिंद साथियों, जो भी मेरा नाडला साथी ये पूछ रहा है कि सर अकेडमी की लोकेशन एक बार हमें सेंड करिएगा, किस प्रकार का माहौल है, तो एक बार दिखा दीजिए बाहर का क्राइटेरिया और अंदर का। सबसे पहले तो हम गेट से एंट्री करते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं, पूरा ये माहौल है आपको दिखाएंगे, किस प्रकार की हमारी व्यवस्था है। क्लासरूम है, खाने की व्यवस्था है, स्टडी रूम है, ये अंदर का पूरा बड़ा कोशिश है। ये हमारा ऑफिस है, ठीक है, कंप्लीट एक बार दिखा दो। और ये बिल्कुल हमारे सिलेक्शन वाले हैं। ये इधर मेडिकल रूम है, ये मेडिकल रूम है, ठीक है। ये अंदर के अलग अलग हमारे रूम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर के रूम है, 5। आपको यहाँ बच्चे डिजिटल को साथ में स्टडी करके दिखा दूंगा। ये कितना लेस है, 225% बताना है। ये स्पेशली स्टार्ट कराई है और आज ही बच्चे बिल्कुल आनंद ले रहे हैं क्लास का। और ये नीचे का कंप्लीट है, जिसमें आपको लाइब्रेरी की सुविधा और अलग अलग रूम जहाँ रहने की व्यवस्था। ये हमारा कंप्लीट लाइब्रेरी का है, लाइब्रेरी वाले शेड्यूल। अभी नीचे का रहने का वाला है, अलग अलग रूम है इस टाइप से। ये अंडरग्राउंड का है भाई, कंप्लीट अंडरग्राउंड का है, नीचे के रूम है, ठीक है। और ऑफलाइन क्लासरूम के लिए इधर है। और चलिए ऊपर चलते हैं, बाहर वॉलीबॉल के लिए, बीम के लिए, ठीक है, वॉलीबॉल के लिए, इधर बीम के लिए, इधर आ जाओ। पीने के पानी के लिए बिल्कुल प्योर मीठे पानी की ट्यूबवेल यहाँ है, ठीक है। नाड़े वाड़े की व्यवस्था यहाँ पर, खाने की जो व्यवस्था है, ठीक है, खाने में उनको कुछ खड़ा दे। हाँ एक बार ऑफिस में दियो। देखो ये बड़ी है ताजा सब्जी, एक नंबर। ये देखो टिंडा की सब्जी बनी है भाई, बहुत गजब। साथ में बच्चों के लिए रेसिपी में ये मिर्ची का बहुत ही बेस्ट। ये देखो भैया, देख सकते हो, ये देखो कंप्लीट। और इधर देखो रोटी जैसे अपने घर में बनती है, बिल्कुल प्योर इस टाइप की, बिल्कुल प्योर रोटी बनेगी, ठीक है। बाकी ये कंप्लीट आपको दिखाते हैं, जैसा सर्दियों में, जैसे सर्दी ज्यादा है तो धीरे धीरे व्यवस्था है, हम लकड़ी पे यहाँ करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ बैठ के अपन खाना खाएंगे। और इधर ये नहाने वाने की व्यवस्था है, ठीक है, खुले में नहाना चाहते तो यहाँ नहाएंगे। वॉशरूम के लिए अपना अलग अलग है, अंदर पूरा कर रखा है, ठीक है, सेपरेट अपने वॉशरूम की तरह रहे। ओके, तो जिस भी लाडले साथी को आना है अकेडमी के अंदर, तो बिल्कुल 1 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन फाइनल करवाएं। और भी किसी प्रकार की समस्या हो तो दिए गए हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करके जल्दी से मुझे मैसेज करिएगा। स्पेशली एम्स सेंटर वाले विद्यार्थी और एआरओ वाले विद्यार्थी जिनका एग्जाम अप्रैल में होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और कमेंट बॉक्स में यह भी लिखिएगा कि अकेडमी की लोकेशन और यहाँ की व्यवस्था है किस प्रकार की है। जय हिंद, जय भारत।